नमस्कार। दिल्ली की सियासत को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ता जो 13,500 से ज्यादा बूथ 70 सीटों पर बनाया गए हैं, उन पर डोर टू डोर जाकर के हर बूथ में जाकर के वो लोगों को समझा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो धुआंधार पारी दिल्ली के अंदर खेली जा रही है, उससे डर करके, उससे घबरा करके अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट बचाने में बिजी हो चुके हैं। शाहीन बाग को लेकर के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने जिस तरह से हजारों महिलाओं और बच्चों को 500-500 रुपए के भाड़े पर ला करके इस सड़क को जाम कर दिया, इससे जो दिल्ली की आम जनता है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। 48 से 47 दिन हैं वो हो चुके हैं ये सड़क जाम हुए हुए, तो वहाँ की जो आम नागरिक हैं, वहाँ के जो आम जनता है, वो इस आंदोलन से काफ़ी खपा है, वो हो चुकी है। हालांकि CAA और NRC के विरोध वाली वहाँ पर कोई गतिविधि है वो नहीं हो रही है। वहां जो हो रहा है वो मतलब भारत के टुकड़े करने जैसे, और टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहे हैं वहां पर, भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने जैसे वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि 8 फरवरी 2020 को जो मतदान होगा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर, वो एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की ही तरह होगा। जी हाँ, एक तरफ ये उपद्रवी खड़े हैं जो शाहीन बाग में हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगा रहे हैं, भारत और असम को अलग करने की बात वहां पर कह रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस शाहीन बाग मुद्दे को लेकर के समर्थन कर रही है, उससे दिल्ली की आम जनता ने समझ लिया है कि जो शाहीन बाग में उपद्रवी मौजूद हैं वो एक तरह से पाकिस्तान की ओर से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली की आम जनता है जो हिंदुस्तान की नागरिक हैं। यानी कुल मिलाकर के अब 8 फरवरी 2020 को जो मतदान होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की तरह ही होगा। अब इसमें पाकिस्तान की जीत होगी या फिर हिंदुस्तान की, ये तो 11 फरवरी को ही पता लगेगा जब मतगणना होगी। लेकिन अब दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 70 विधानसभा सीटों में से 60% उम्मीदवार क्रिमिनल उतारे हैं, जो पैसे से क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, और वो करोड़पति भी हैं, उनकी हार निश्चित है। निश्चित दिखाई पड़ रहा है कि उन 60% उम्मीदवारों को हार है, वो आम आदमी पार्टी ने निश्चित है कि वो उनकी हार हो जाएगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से आज से 10 दिन पहले ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल 50 के लगभग सीटें हैं वो दिल्ली में जीत लेंगे, अब उनका भट्टा बैठता हुआ नजर आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो डोर टू डोर या फिर जैसे भी कैंपेन कर रहे हैं उसमें चंद लोग ही मौजूद हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली के आम नागरिकों का मूड क्या है, दिल्ली की जनता का मूड क्या है, और किस तरह से वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कूटनीति को अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने फ्री की राजनीति को बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा कि हमने फ्री बिजली दी, हमने फ्री पानी दिया, इस तरह का कैंपेन जो आम आदमी पार्टी के से चलाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो जो जनता में इसका गलत प्रभाव पड़ा, यानी कि दिल्ली के डेवलपमेंट पर किसी तरह की बात है वो नहीं हो रही है। अच्छा पानी देने की बात या फिर दिल्ली को डेवलपमेंट करने की बात, सड़कों के निर्माण की बात, सरकारी स्कूलों के निर्माण की बात, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात जो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, और सिर्फ कर रही थी तो फ्री की राजनीति कर रही थी, और इसी जो प्रोपेगेंडे के आधार पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो 50 से 55 सीटें हैं वो आसानी से दिल्ली में जीत सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए अब अमित शाह खुद दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से रैलियों को संबोधित किया है, वहाँ जो भीड़ देखी गई है उससे स्पष्ट है कि अब दिल्ली है वो BJP की होने जा रही है। 2020 में दिल्ली में BJP की सरकार बनेगी, ये निश्चित हो चुका है। और जो सर्वे आंकड़े दिए गए हैं राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के द्वारा, और जो ये न्यूज चैनल्स ने ओपिनियन पोल के द्वारा जो जनता का मूड जानने की कोशिश की है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि 50 से 55 सीटें हैं वो BJP के खाते में जाने वाली है। शाहीन बाग मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने अपना एक कैंपेन शुरू किया था कि वो जो मुस्लिम वोटर्स जो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके थे,
उन्हें वापिस अपने कांग्रेस में बुलाने के लिए निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस की तरफ से शाहीनबाग मुद्दे को उठाया गया और उसमें कांग्रेस काफी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 7 से 8% मतदाता अब कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं जो निश्चित तौर पर मुस्लिम वर्ग से हैं, और आम आदमी पार्टी ने शाहीनबाग मुद्दे में सहयोग इसलिए किया, वहां के उपद्रवियों का सहयोग इसलिए किया ताकि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए मुस्लिम वोटर्स उनके साथ ही जुड़े रहें। लेकिन इसमें केजरीवाल है वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अब दिल्ली का जो कंडीशन है वो ये हो चुकी है, सभी 17 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की कंडीशन ये हो चुकी है कि केजरीवाल खुद की अपनी विधानसभा सीट बचाने में बिजी हो चुके हैं। अब उन्हें डर लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी का अन्य सीटों पर छोड़िए खुद केजरीवाल की सीट भी वो हार सकती हैं, उन पर भी उसे कामयाबी नहीं मिलेगी, इस तरह की सोच है वहाँ बन चुकी है। लेकिन जो ये माहौल बन चुका है, एक माहौल क्रिएट हो चुका है शाहीनबाग को लेकर के, पिछले 47-48 दिनों से जिस तरह से शाहीनबाग सड़क को ब्लॉक करके रख रखा हुआ है इन उपद्रवियों ने, जो भाड़े पर लाई हुई महिलाएं और बच्चे हैं 500-500 रुपए पर जो भाड़े पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लाए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ ने तो इस तरह से ऐसा भी बोल दिया, इस तरह का आरोप भी लगाया है कि जो केजरीवाल है वो उनको बिरयानी सौंपते हैं, मतलब परोसते हैं, वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको बिरयानी भी केजरीवाल की तरफ से भेजी जाती है, यानी इस तरह का आरोप भी लग चुका है। इस शाहीनबाग सड़क के जाम होने के बाद से जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध दिल्ली की आम जनता में देखा गया है, जो सफ़र जो शाहीनबाग के आसपास की जो लोग थे, आसपास के गांवों से वो व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करता है, जो ये आधे घंटे का जो सफ़र तय करने में जब 3 से 4 घंटे लग रहे हैं तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। हालांकि कांग्रेस ये बिल्कुल समझ चुकी है कि उसका वोट शेयर तो लगभग 7-8% हो चुका है दिल्ली में, लेकिन वो किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो डटकर उन शाहीनबाग में मौजूद जो उपद्रवी हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच की तरह जिस तरह से ये पूरा प्रोपगेंडा है वो अभी 8 फरवरी 2020 को होने जा रहा है मतदान, वो एक भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच की तरह होगा, और इससे स्पष्ट है कि बीजेपी 50 से 55 सीटें आसानी से ले लेगी, यानी जो 70 विधानसभा सीटों पर 13,500 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर 1.5 से 2 लाख जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जा कर के CAA के बारे में, NRC के बारे में लोगों को समझा रहे हैं, और शाहीनबाग में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है CAA NRC का विरोध नहीं बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने का मुद्दा वहाँ पर छिड़ा हुआ है, राष्ट्र विरोधी नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन वहाँ पर किया जा रहा है, उसके बारे में डोर टू डोर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता समझा रहे हैं लोगों को, जो दिल्ली की जनता आसानी से समझ रही है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी है और 2020 में दिल्ली बीजेपी की होने वाली है, 50 से 55 सीटें मिनिमम जो बीजेपी है वो हासिल कर लेगी, और 36 सीटें या सरकार बनाने के लिए चाहिए, यानी कुल मिलाकर के बीजेपी का पलड़ा है वो अब की बार काफ़ी भारी है, अब की बार बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर निश्चित है। और जिस तरह से अमित शाह खुद डोर टू डोर घूम करके अपने कार्यकर्ताओं को यानी समझा रहे हैं, जो दिल्ली की आम जनता है उनको पंपलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से डोर टू डोर जाकर के CAA के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं अमित शाह और बीजेपी के कामों के बारे में दे रहे हैं, और शाहीनबाग में जो उपद्रवी बैठे हुए हैं उनके कारनामों के बारे में डोर टू डोर जाकर के अमित शाह खुद है वो लोगों को बता रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता का मूड है वो अब की बार बदल चुका है। जो पिछली बार 2015 में चुनाव हुए थे उससे काफ़ी अलग मूड है वो दिल्ली का बन चुका है, यानी दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का नहीं हो सका वो कैसे दिल्ली का हो सकता है। अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन करने वाले प्रत्येक भारतीय का सिर नीचा करवा दिया केजरीवाल ने, जब 70 उम्मीदवारों में से 60% उम्मीदवार जो क्रिमिनल इन्होंने अपनी पार्टी में जोड़े उसके बाद से स्पष्ट हो चुका था
कि अरविंद केजरीवाल कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं और ना ही एक अच्छी सरकार अरविंद केजरीवाल कभी सौंप सकते हैं। जिस तरह से फ्री की राजनीति करने पर अरविंद केजरीवाल ने जोर दिया, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो दिल्ली की जनता है वो समझ चुकी है कि जो फ्री की राजनीति यानी फ्री का बिजली और फ्री का पानी देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है, उसको लेकर के सरकार उनसे 2 से 3 गुना कीमत है वो वसूल रही है। यानी कुल मिलाकर के फ्री की राजनीति करना जो अरविंद केजरीवाल को काफ़ी भारी है वो पड़ रहा है। अब कुल मिलाकर के जो ये जो केजरीवाल की सरकार है ये अच्छी तरह से समझ चुकी है, केजरीवाल के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट है वो नहीं बचा पाएंगे। और इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, यानी बीजेपी के सभी बड़े से बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करके अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के ये जो शाहीन बाग मुद्दे को लेकर के पूरी जो पोल है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी इस बार 50 से 55 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है वो बना सकती है। इस बार जो राष्ट्रीय प्रयोग सट्टा बाजार ने भी निश्चित तौर पर 50% से ज़्यादा वोट शेयर है वो बीजेपी के खाते में डाल दिया है। इसके अलावा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के जो ओपिनियन पोल हैं उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी की सरकार है वो बनने जा रही है। फिलहाल आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अब 2020 में दिल्ली किसकी होगी, अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी और कितने सीटों के साथ, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।